हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका आशीष सर और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस। तो गाइस, हम लोगों ने अब तक टेंस का अध्ययन किया है और टेंस में हम लोगों का प्रेजेंट एंड पास्ट कंप्लीट हो चुका था। फ्यूचर के भी कुछ सेंटेंसेस हम पढ़ चुके थे। तो आज फिर से हम कहां पे चर्चा करेंगे? फ्यूचर टेंस पर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एग्ज़ाम आपके बहुत करीब में है, आपके काम थोड़े से बढ़े हुए हैं, लेकिन उस काम को अवॉइड करने के चक्कर में या फिर अपने स्टडी को बर्डन बनाने के चक्कर में जो आपको याद है वो भी मत गंवाइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जस्ट बी रिलैक्स, क्योंकि घबराहट में, जल्दबाजी में अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो गाइस, जस्ट बी रिलैक्स, फील कंफर्ट एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट व्हेन यू विल बी कंफर्ट, अदरवाइज इट विल ऑलवेज गोइंग टू बी हरीड एंड इफ एनीथिंग विल गो इन हरीड मेक अ मिस्टेक डेफिनेटली। हरीड इज कॉज ऑफ मिस्टेक्स। सो जस्ट थिंक एंड डू समथिंग बेटर वेज विच इज गोइंग टू इंक्रीज योर पावर। तो हमने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपके लिए कोई भी एग्जाम, किसी भी प्रकार के एग्जाम्स बहुत टफ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे अपने दिमाग में जगह गलती से ये नहीं दिया कि मुझे नहीं आता, तो अगर ये सोच के चल गए विवेकानंद जी, जो कि हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, पथ प्रदर्शक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप मन से मत हारिए, मन से जीतने का प्रयास बना लीजिए, डेफिनेटली यू कैन डू समथिंग वेल। तो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यू में सबने आपको पहले भी बताया था, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, लगातार या जारी, और फ्यूचर का मतलब होता है क्या? भविष्य, यानी कि निरंतर भविष्यकाल। निरंतर भविष्यकाल का अध्ययन आज हमें करना है। तो निरंतर भविष्यकाल किसे कहते हैं? कि भविष्य में जो काम लगातार होता रहे, होता रहेगा, जिस चीज़ की हमें उम्मीद है, कल्पना है कि यह काम भविष्य में होता रहेगा, वहीं पे हम किसको यूज करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। अब आ जाइए गाइज यहाँ इंडेफिनिट टेंस पर, सॉरी आइडेंटिफिकेशन पर। आइडेंटिफिकेशन क्या है आपका? व्हेन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, these type of word will come in the last of verb, then we shall know it is future continuous. Very good. क्या होता है? When any kinds of, when रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, these type of word will come in the last of verb, then we shall know it is future continuous tense. उसके बाद किसकी बारी आती है guys? Structure या फिर construction की। Construction या structure में सबसे पहला tense होता है आपका पॉजिटिव, या फिर इसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो हम उस पर केयर करते हैं। सबसे पहले में क्या करना है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कर्म आदि लिखा जाता है। इसी तरीके से आपके सारे स्ट्रक्चर्स लिखे गए हैं, पॉजिटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, सारे स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो क्या होता है कि जो हमने बताया कि कार्य जारी अवस्था में होगा, लेकिन कहाँ होगा? भविष्य में। वहीं पे हम यूज करते हैं किसका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आपके सामने है कि वह उपन्यास पढ़ रही होगी, तो कौन पढ़ रहा होगा भैया? वह पढ़ रही होगी, वह क्या है आपकी? सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर है तो सी, और उसके बाद सी विल बी, इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? विल बी और शैल बी। अगर ध्यान में नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हो नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल वी और शैल बी, ठीक है। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? हेल्पिंग वर्ब आप डाल सकते हैं, एच बी। एच बी क्या होता है आपका? विल बी या फिर शैल बी। हम विल और शैल किस में पढ़े थे? फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल और शैल के साथ क्या जुड़ गया है? बी जुड़ गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, वह उपन्यास पढ़ रही होगी, कौन पढ़ रहा होगा? वह पढ़ रही होगी, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? सी। और उसके बाद विल बी, कर क्या रही है? वह पढ़ रही है, सी विल बी रीडिंग। पढ़ क्या रही भैया? नॉवेल पढ़ रही है, उपन्यास पढ़ रही है। उसके बाद मैं कुटिया में नहीं रह रहा हूँगा, कौन नहीं रह रहा है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के साथ हमने बताया था कि आई और बी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल, तो आई सेल नॉट बी क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, लिविंग। रह कहाँ रहे हैं? कुटिया में, हट, कॉटेज बोलेंगे तो झोपड़ी, झोपड़ी और कुटिया, तो क्या हो गया? सन्यासी। ताजे फूल क्यों तोड़ रहा होगा? तो कौन तोड़ने वाला है? सन्यासी। और सन्यासी को क्या बोलते हैं गाइस? सन्यासी को बोलते हैं हर्मिट। हर्मिट तोड़ रहा है, लेकिन समस्या क्या है? क्यों?
क्यों लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड बाहर निकाल दीजिए। सबसे पहले हमने क्यों की अंग्रेजी क्या लिख दी, वाई। उसके बाद सन्यासी क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर हो या प्लूरल। माइंड हमें क्या करना है, आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ क्या लगना है, विल लगना है। तो वाई विल, वाई विल कौन, हर्मिट क्या। उसके बाद बी फिर क्या कर रहा है भैया, तोड़ रहा है, तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है, प्लक होती है। प्लक में क्या किए हैं, आई एन जी लगा दिए हैं। वाई विल हर्मिट बी कर क्या रहा है, वह क्या कर रहा है भैया, तोड़ रहा है ना, तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है, प्लक होती है। प्लक में हमने क्या किया है, आई एन जी लगा दिया है। उसके बाद क्या है, कैसा फूल तोड़ रहा है, वह ताजे फूल तोड़ रहा है, तो फ्रेश फ्लावर। उसके बाद क्या है आपका, हम उसके साथ बस से मंदिर क्यों नहीं जा रहे होंगे, किसके साथ, उसके साथ। लेकिन क्या पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वाई आपने लिखा। उसके बाद क्या है, सहायक क्रिया, और सब्जेक्ट आपका वी है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, सेल, तो वाई सेल वी। फिर निगेटिव वर्ड है तो नॉट, वाई सेल वी नॉट। उसके बाद क्या करना है, देखिए गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है, इसे सही कीजिए। क्या गलती हो रही है भैया, सेल के बाद तो नॉट लगा हुआ, वी के बाद नॉट लगा है, लेकिन नॉट के बाद क्या लगाना है, वी लगाना है ना। तो वाई सेल वी नॉट बी करना क्या है, जाना है, जाने की इंग्लिश गो होती है, गो में आई एन जी। वाई सेल वी नॉट गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, मंदिर, टू टेम्पल, जा कैसे रहे हैं, बाई बस, और किसके साथ, उसके साथ, तो विद हिम। इज दैट क्लियर, आई होप इट विल बी क्लियर। नाउ जस्ट माइंड एंड कंसनट्रेट। सिर्फ गाइज आप लोग इतने पे ध्यान मत दीजिएगा कि केवल ग्रामर ही पढ़ना है आपको, ग्रामर के साथ आपकी एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज की बुक भी है, तो टेस्ट बुक पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट बुक भी लगभग आपके लिए इक्वली कंपेरिजन में है, दोनों के नंबर्स लगभग सेम सेम आने वाले हैं। इसके जो नंबर्स होते हैं वो सॉलिड एक एक दो दो नंबर के होते हैं, वो आपको बेहतर नंबर देते हैं, वो आपकी मेरिट बनाते हैं, और आपका जो एक्सरसाइज है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेस्ट बुक के नंबर्स आपको एकदम सॉलिडली याद होने चाहिए, क्योंकि आपने उसका अध्ययन कर लिया है, तो आपको अच्छे से तैयार होगा। इसलिए आपको करना क्या है, एग्जाम के लिए आप कह सकते हैं टेस्ट बुक प्लस ग्रामर इज इक्वल टू एग्जाम, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के आपका एग्जाम होता है, टेस्ट बुक और ग्रामर को मिला के आपका एग्जाम बनेगा, और एग्जाम सक्सेस प्लस हार्डवर्क, हार्डवर्क प्लस सक्सेस इज इक्वल टू अ गुड रैंकिंग। तो आपको अच्छा रैंक लाना है, अच्छा परिणाम लाना है, कामयाबी लाना है, तो कठिन परिश्रम करना है, और परिश्रम आपका हमेशा आपको अच्छा परिणाम देगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप सिर्फ एक चीज़ पर निहित ना होइएगा, सारी चीज़ों की तैयारी कीजिएगा गाइस। तब तक के लिए आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जितनी भी पढ़ाई किए हैं अब तक, अब आप थोड़ा सा चार दिन में, तीन दिन में इसको पूरा रिपीट कर डालिए, दोहरा डालिए, क्योंकि एकदम से आप मान लीजिए कि रिविजन इज अ मस्ट फॉर एग्जामिनेशन। पिछली चीज़ें हम क्या करते हैं, जब आगे का पढ़ने लगते हैं तो पिछली पीछे छूट जाती हैं, तो पीछे की जो चीज़ें छूटी हुई है गाइस, वंस अगेन रिवाइज दैट, एंड आफ्टर दैट बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन जस्ट लाइक अ स्ट्रांग आर्मी सोल्जर्स। हाउ दे आर फेसिंग द डिफिकल्टीज, दे आर फेसिंग मच मोर डिफिकल्टीज एट द बॉर्डर, एंड इवन दे आर नॉट गोइंग टू बी होपलेस। सो जस्ट कॉपी ऑफ देम, यू आर ऑल्सो अ वॉरियर, दे आर वॉरियर एट बॉर्डर टू प्रोटेक्ट अस, एंड यू आर वॉरियर टू सिक्योर योर नंबर। सो जस्ट थिंक एंड टेक योर वीपन्स, बी रेडी फॉर दैट थिंग्स। अपने हथियार को अपना, अपनी ताकत बना लो, और आपके हथियार गोला बारूद नहीं है, आपकी ये पेन है, आपका ब्रेन है, आपकी स्टडी है। सो जस्ट मेक इट यूज प्रॉपर, सिंस देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।